सो हे गाइस, वेलकम बैक माई अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ अपने गांव के मेले में, जो कि ऊपर है, हमारे गांव से काफ़ी ऊपर मंदिर है। सो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। फिलहाल हम घर से निकल चुके हैं, साथ में है जीजा जी और हम और सिस्टर वगैरह जो है वो आगे ही निकल चुके हैं। देख सकते हो खेतों के बीच में से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मक्खियाँ काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो इसी रास्ते से मैंने एक ब्लॉग बनाया इसी का, जो कि धार पे ऊपर हम जो बोलते हैं उसे जग बोलते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग आते हैं और दुकानें वगैरह काफ़ी कुछ एक्टिविटी होती है ऊपर। हो फिर बढ़िया, और काफ़ी दूर से स्पेशल आए हैं देखने के लिए। इनको हम अपने गांव का मेला दिखाएंगे और जल्दी से चलते हैं ऊपर, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है। रास्ता दिखाता हूं मैं कैसा रास्ता है और गांव को क्रॉस करके वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है हमें। ये हमारी शुरू है और लगभग 5 मिनट का रास्ता बचा है। और पीछे से देख सकते हो सिस्टर वगैरह आ रहे हैं, जीजा वगैरह, सो इनसे भी मिला देता हूँ। और इनका क्या हाल हो रखा है चढ़ाई पे, देख सकते हो काफ़ी चढ़ाई है गाइस। काफ़ी दूर है ऊपर मंदिर जहाँ को कि हम जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग पहुँच भी चुके होंगे, काफ़ी सारे रास्ते में आ रहे हैं पीछे। तो फिलहाल आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो भाई एक्सीडेंट होते होते बचा है, क्योंकि स्लिप काफ़ी ज़्यादा है। भाई हमारे सिस्टर जो है वो ऊपर चढ़ रहे हैं और स्लिप काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई हेलो, कैसे हो? ठीक। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो आप इनसे, और ये हमारे जीजा जी पहले दिखा दिए हैं। दोनों देख सकते हो काफ़ी खुश लग रहे हैं ऊपर की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा। और अभी अनीता को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है नाखून में। तो कैसी लग रही है चढ़ाई फिर? अच्छी है। अच्छी, कैमरे में बोलना पड़ता है। अच्छी है। तो हाँ, अभी पीछे से देख सकते हो हमारा जो है अलग ही ग्रुप बना हुआ है। सो ऊपर दिखाते हैं आपको मंदिर और मंदिर का व्यू। अभी जो है काफ़ी हरियाली हो रखी है, बारिशें स्टार्ट हो गई है, तो इस वक्त जो है मौसम जो है काफ़ी बारिश वाला रहता है, बादल वगैरह आ जाते हैं। सो उम्मीद है कि व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, उतना ज़्यादा मौसम ख़राब भी नहीं लग रहा है। सो जल्दी से पहुँचाते हैं आपको। हाउ द जोश। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर, और यहाँ पे एक डॉग भी है जो हमारे साथ नहीं आया है, पर यहाँ पे देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे आगे जाके मंदिर है, पसीनों पसीने हो रखे हैं सभी। और यहाँ पे एक बगीचा भी है सामने सेब सूब का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पूरी दीवार लगाई हुई है। पर ऊपर से दिखा देता हूँ, थोड़े बहुत सेब दिखे आपको, तो पहाड़ी सेब लगे हुए हैं, अभी पके तो नहीं है पर ऑलमोस्ट ठीक ठीक ही दिख रहे हैं। अभी जो पेड़ दिख रहे हैं सेब के और रेड रेड आपको दिख रहे होंगे। तो भाई ऊपर आके जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि नीचे की साइड गर्मी होती है, पहाड़ पे मैक्सिमम जो है वो ठंड रहती है। सो गाइस, ये सामने मंदिर दिख रहा है, मंदिर के बैक साइड से रास्ता है और ऊपर के पहाड़ तो आपको दिख रहे हैं, और सामने से भी आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, पीछे की साइड आप देख सकते हो यहाँ मंदिर है पीछे, और यहाँ पे देख सकते हो वो पीछे दिख रहा है थोड़ा बहुत, और चारों तरफ देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं, क्रिकेट वगैरह जो है पीछे खेल रहे हैं। सो वो भी दिखाएंगे अभी, और धाम वगैरह खा रहे हैं पीछे, और मंदिर वगैरह आपको दर्शन करवा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग धाम भी खा रहे हैं अभी। दर्शन करने के बाद हम चल दिए जलेबी खाने, और जीजा जी हमें जलेबी खाने खिलाने वाले हैं, सॉरी। और यहाँ पे थोड़ा सा मजाक चल रहा है अभी, और हमें जलेबियों की वीडियो बनानी थी और सारी लड़कियाँ जो है शर्माने लग गई। सो बहुत ही मुश्किलों के बाद हमें जलेबियाँ मिली, काफ़ी मेहनत करने के बाद। जलेबी तो नहीं बनाते, जलेबी नहीं बना सिपाता कैमरा। काफ़ी कंजूसी होगी, देख सकते हैं कितने जलेबी मिली है, 20 रुपए की। सो जलेबी मिल चुकी है अभी, अभी हम जा रहे हैं इसको खाने के लिए। सो भाई ये है, अभी पीछे क्रिकेट खेल रहे थे हमारे भाई। सो भाई चल रहा है मैच पीछे, भाई अभी चल रहा है, थोड़ा रेस्ट हुआ, खाना खाने आई है, खाने आए अभी। और अभी फाइनल मैच कब तक होगा? फाइनल अभी सेमीफाइनल होना बाकी है, उसके बाद ही। हाँ जी, उसके बाद। थैंक यू ब्लॉग में आने के लिए। ओके भाई, जलेबी तो नहीं खाओगे, टेस्ट करो जलेबी।
चले ठंड खाओ। चलो नमक कैसे, नमक थोड़ा कम है। सो गाइस अभी हम कुछ लड़कियों से आपको मिलाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो जंगल में। सो भाई कैसे लग रहा है आपको फिर? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके। अच्छा, ये पुरानी वीडियो का डायलॉग बोले जा रहे हैं। और ये यहाँ आइसक्रीम खिलाई जा रही है भाई। हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। सो गाइस अभी हम भी टेस्ट करने वाले हैं जलेबी, और जीजा जी बन चुके हैं कैमरामैन। तो भाई थोड़ी जो है वो ये सख्त हो चुकी है क्योंकि काफ़ी देर की बनाई होगी और मीठा भी काफ़ी अच्छा है। सो खा लेते हैं, उसके बाद आपको आइसक्रीम दिखाते हैं। सो ऑलराइट गाइस, जलेबी वगैरह तो खा ली, अभी थोड़ी सी आइसक्रीम भी खा लेते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब अभी मौसम ठीक हो गया। सो अभी खाने वाले जलेबी, पीछे चलते हैं। तो यहीं पे जलेबी की भी दुकान लगी हुई है, छोटी सी पीछे दिख रही होगी आपको। चलो जलेबी भी खाती हूँ, सॉरी आइसक्रीम। ओ तो गाइस ये हमारी आइसक्रीम हमें मिल चुकी है, आइसक्रीम है ये जा रहा हमारे साथ। ये तो भाई थोड़ी सी बची है। तो गाइस दोनों आइसक्रीमें खा चुका हूं मैं। तो गाइस यहां पे चल रही है अभी कैश की काउंटिंग, और ये विद्यांश रॉय जी अभी आइसक्रीम हो चुकी है खत्म। तो आज आइसक्रीम का इनका एंड हो चुका है, ये देख सकते हो चिट्टा होने से जिंदा चिट्टा सिद्ध। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे जीजू जी बहुत ही मेहनत के साथ पैसे गिन रहे हैं, लग रहा है दो तीन नोट्स टाइप भी कर दिए हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी देर में वैसे लेके अभी भागने वाले हैं, दादा की इंप्रेशन देखने वाले हैं। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं दिलीप कुमार, बट ये चैनल जो है वो विद्यांश रॉय का है, और आज मैं विद्यांश रॉय के साथ में पहुंच चुका हूं धारकंडा वैली में, जो कि साओ वैली में यहां पे पड़ती है। और यहां पे चल रहा है जग भंडारण, जो कि हर साल आता है, और हर साल विद्यांश रॉय का इस पर एक ब्लॉग आता है। तो अभी विद्यांश रॉय बिजी हैं, थोड़ा कैश काउंटिंग कर रहे हैं, कैश काउंटिंग, तो देख सकते हैं आप पीछे में। और इस तरफ में है मंदिर, और मंदिर के साथ में यहाँ पर चल रहा है धाम का आयोजन। और इस तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक क्रिकेट ट्रॉफी चल रही है, तो छोटा सा ग्राउंड है। वैसे एक्चुअल में यहाँ का ग्राउंड पीछे में है, बट अभी वहाँ पे थोड़ा बिजी है तो जो ग्राउंड है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। चलिए फिर से एक बार चलते हैं विद्यांश रॉय की तरफ, और कितना कैश हो चुका है अकाउंट? 4000 के 10-10 के नोट की काउंटिंग हो चुकी है, और बाकी जो सारे पे जीजू ने लगता है बैग भर लिया है, देख सकते हैं आप बैग में कैश ही कैश है। हाँ ऑलराइट, तो अभी जो देख रहे थे वो है दिलीप शर्मा एंड ये हमारे भाई हैं। सो अभी हम भी धाम खाने वाले हैं, धाम बन चुकी है, मतलब हमने खाई नहीं अभी। सो चलो धाम खाते हैं। दिलीप भाई अभी खा लोगे की ट्रॉफी के बाद? मैं अभी खा लेंगे अभी एनर्जी है, उसके बाद आपको फाइनल भी दिखाएंगे धाम खा रहे हैं। और हमारे राजेंद्र भाई बहुत ही फेमस जो है पर्सन है, उनके साथ आगे तक लाइन देख सकते हो आप। जो कि हमारे जितेंद्र जी चावल देते हुए गिट्टू हमारे फेमस पर्सन को, जिनका रंग पहले से ही चिट्टा है। कि तो अभी धाम वगैरह सारा प्रोग्राम जो हो चुका है, तो अभी आपको दिखाने वाले हम क्रिकेट, जो कि फाइनल मैच थोड़ी देर में स्टार्ट होने ही वाला है। सो गाइस आप देख सकते हो फाइनल मैच जो लग चुका है, और ये पीछे यहाँ पे, और इस तरफ से मतलब ये दर्शक हैं सभी बैठे हुए, और बाउंड्री के नज़दीक, और वो आगे आप देख सकते हो मैच लगा हुआ है। सो यहाँ से देख सकते हो प्लेयर, और ये देख सकते हो बहुत ही लंबा बेहतरीन सिक्स, और ये गोल गिरा है, और वहाँ पे विकेट भी पड़ सकती है, मैं बच गया। और राइट यहाँ पे भी है,
मस्त है, आप से देख सकते हो सो अभी हमारे गेम वॉच गेम करा रहे हैं और आपकी बंद ने चेक करो बहुत हो गया आज में फाइनल जीत चुकी है, इनकी खुशी आप देख सकते हो।